आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी, बहुत बिना झंझट के बनने वाले स्नैक्स, जिन्हें आप बच्चों को टिफ़िन में भी और इवनिंग टाइम पे या मॉर्निंग जब भी आपका मन करे इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं बॉयल आलू और मैंने अच्छे से छील लिया है। तो सबसे पहले हम इसे मैश कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे आलू को बढ़िया तरीके से मैश कर लिया है। अब इस पर हम कुछ मसाले डालेंगे। ये बहुत इजी क्विकली बनने वाली रेसिपी है। तो इसमें मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज है जो बारीक बारीक काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची और थोड़ी सी हरी धनिया, इन सबको ऐड कर देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। और उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। और अब साथ ही साथ इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच वेज मसाला। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। तो उसके बाद हम इसमें ले लेंगे ब्रेड। ये नॉर्मल ब्रेड्स रहती हैं जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, वही ब्रेड है। और ये थोड़ा सा पानी मैं इसमें इस तरीके से डालकर इसे सॉफ्ट कर लूँगी। और जो हमने मैटर बनाया है आलू का वो इस तरीके से फिल कर देंगे। हम इसमें कोई सैंडविच के जैसे चटनी या कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरीके से ऐड करके और इस तरीके से राउंड करके ये देखिए ये रेडी है। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम सेक लेंगे दोनों साइड, और इसे अच्छा सुनहरा होने तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो 1 बाय 1 करके मैंने इसे डाल दिया। ये देखिए मैंने पलट दिया है। अब अच्छे से एक साइड से ब्राउनिश हो गया है ये। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे अच्छे से पका लेंगे। और ध्यान रखें इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, ज़्यादा हाई ना करें नहीं तो ये जल सकते हैं। तो दिख रहे हैं ना बिल्कुल यम्मी टेस्टी और बहुत ही सिंपल ये स्नैक्स, ब्रेड स्नैक्स। आप कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं और भागती सुबह में आप इसे ज़रूर बच्चों को टिफ़िन में दें, वो भी बड़े मन से खाएंगे। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए बिल्कुल सर्व कर लिया है हरी चटनी के साथ। आप चाहे तो सॉस या मेयोनीज के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए कितने डिलिशियस लग रहे हैं, देख के लग रहा है कि बस खा लें। तो आप भी ये सिंपल सी ब्रेड स्नैक्स रेसिपी ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग। Thank you.